झारखंड पुलिस बल में तैनात जवान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी होने का दावा करने वाले जवान के फारबसगंज स्थित घर और अपने ससुराल पहुंची, जहां एक विवाहिता को उनके ससुराल वालों ने मृतक जवान के अविवाहित होने की बात कहकर बहू मानने से इनकार कर दिया। वहीं इनकार करने के बाद विवाहिता ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़िता 10 जनवरी 2020 की देर शाम को अपने ससुराल गई, जिसके बाद ससुराल के सदस्यों में सास शांति देवी, राजेश साह, प्रेम प्रकाश साह ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसमें थे कहाँ पे? गढ़वा जिला पुलिस, गढ़वा पुलिस लाइन। गढ़वा पुलिस लाइन। आपका घर कहाँ? मायके कहाँ? मायके ग्राम कजराट है जी। पिताजी का नाम है गोपाल राम जी। तो नाम निराल है तो जिला गढ़वा। आपके कोई संतान भी है क्या? हाँ, एक बच्चा है जी। तो अभी क्या कह रहे हैं ससुराल वाले आपको? ससुराल वाले हम आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम जानिए नहीं रहे हैं कि मेरा बेटा शादी किया है जी। जी जिसे कह के हमको इनकार कर दे रहे हैं, नहीं कुछ देने से इनकार कर दे रहे कि हम नहीं जानते हैं आपको, चूंकि मैं शादी कर ली हूँ, हम इनके साथ हैं जी। यहाँ पे नहीं है, हम आ रहे हैं जी। यहाँ पे फर्स्ट बार आए थे, थाना में आवेदन दिए हुए हैं, फिर गए थे मैडम के लेके यहाँ थाना पर, तो वहाँ पे कह दिया कि ये नहीं, इसका पत्नी नहीं है, इसको हम नहीं जानते हैं, हमारा भाई शादी ही नहीं किया है, नहीं शादी नहीं किया है, कोई बच्चा वच्चा किसी कुछ नहीं है। तो आपके पास कोई एविडेंस है क्या शादी किया उसे, कोई साक्ष्य है? हाँ, गढ़वा गढ़देवी मंदिर में शादी की हूँ 2016 में जी। और उसी समय से हम लोग दोनों आदमी साथ में रह रहे हैं, तभी बीमार हुए तब पर भी मैं हम ही इलाज कराए हैं। क्या हुआ था उनको? इनको लीवर खराब होने के कारण से इनकी मृत्यु हो गई। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि फारबसगंज निवासी झारखंड के गढ़वा पुलिस बल में तैनात जवान रमेश राज के साथ 2016 में प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद जवान रमेश राज बीमारी के कारण 25 मई 2019 को मृत्यु को प्राप्त हो गई। पीड़िता एक बच्चे की मां है, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल पक्ष के सदस्यों ने उसे ससुराल में नहीं रहने दिया। यह है कि हम उनसे प्रेम करते थे, ठीक है जी। हम लोग का प्रेम विवाह है, बहुत दिन से 7-8 साल से हम लोग चल रहे थे, जो है उसके बीच हम लोग 2016 में शादी किए। शादी करने के बाद हम लोग घर आना चाहे तो माँ मना करते रही अपने बेटा को कि तुम अंतर जाती है, शादी किया है तुम यहाँ लेके मत आना, ठीक है जी। दूसरी कि जब हम इनकी तबीयत खराब हुआ तो हम घर वाला को बताए कि इसे तबीयत खराब है, आप लोग आके मिल भेट लीजिए, इलाज के लिए हमको पैसा चाहिए। क्या कि वो अंतरजाति शादी किया है वहाँ है, हाँ यहाँ से उसको जमीन घर बेच के हम लोग दें, हम लोग नहीं देंगे, जो करना है आप कीजिए और वो करेगा, दोनों आदमी समझिए। नहीं गए वो, उनका फर्स्ट बार लेके गए रिम्स में रांची, वहाँ से दवा ववा लेकर के फिर हम लोग आ गए, उसका दोबारा जब लेके गए ना सो उनका वही अंतकाल हो गया। वही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जवान की मां सहित परिवार के सदस्यों ने मृतक जवान के अविवाहित होने की बात कहकर महिला को बहू मानने से और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फारबसगंज से विपुल विश्वास की रिपोर्ट।